गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक यम्मी सूजी कचौरी रेसिपी शेयर करूंगी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए मैंने इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 कप सूजी एंड यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप दही लिया है, कर्ड लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट एज पर टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको पतला कर दूँगी, क्योंकि जो सूजी है ना थोड़ा सा पानी सोख करेगा। और इसको आधे घंटे तक ढक के रख दूँगी। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर दिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 स्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा करी लीव्स एंड चॉप्ड ग्रीन चिली। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड ऑनियन को और थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 स्पून पी नट्स एंड 1 स्पून कैशू नट्स और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ऐड करूँगी चॉप्ड कैरेट्स को। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1/2 टीस्पून चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मेरे कैरेट्स तो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 बॉयल्ड एंड मैश पोटैटो को। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और ढक के 2 से 3 मिनट्स तक पका लेंगे। ये देखिए 3 मिनट्स हो चुके हैं, मेरा स्टफिंग जो है रेडी हो चुका है। अब साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने डो को आधे घंटे तक ढक के रखा था, ये थोड़ा फूल गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑयल एंड 1 से 2 चम्मच मैं मैदा यूज़ करके इसका एक स्मूथ डो रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने प्लेट में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब मैं ये साइज़ का बॉल लूँगी, आप देख सकते हैं, और इसको अच्छे से हैंड में स्मूथ करेंगे और मैं इसको प्लेट में रख के फैला लूँगी। ऐसे फैला के इसके अंदर मैं स्टफिंग डालूँगी स्पून में, देख सकते हैं। ऐसे बीच में ऐसे जगह बना लीजिएगा और अंदर ऐसे स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डाल के ऐसे स्पून में थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। मैं जैसे कर रही हूँ आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से साइड साइड को खींच के लॉक कर देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊपर रह जाएगा उसको निकाल देंगे। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आ जाएगा ऊपर और इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और इसी प्रोसेस में सबको रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सबको रेडी कर लिया है। अब फ्राई करेंगे इन सबको। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब इसको लो में रखेंगे, लो से मीडियम में ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो कच्चा रह जाएंगे अंदर। अब एक एक करके सबको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और इसको मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी जैसे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी प्रोसेस में मैंने सबको फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैंने सर्व कर दिया है। अब मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रंची बना था गाइस, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।